पुष्पा, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर टू जैसे हिट फिल्में देने के बाद भी ऑडियंस को साउथ के सुपरस्टार के फिल्मों का इंतज़ार रहता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साउथ के स्टार की आने वाली नेक्स्ट फिल्मों के बारे में। नंबर वन पर है रामचरण। आरआर में अल्लूरी सीता रामा राजू के करेक्टर को बेहतरीन तरीके से पेश करने और हजार करोड़ के क्लब क्रॉस करने के बाद रामचरण की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी RC-15 आने वाली है। इस मूवी में राम के अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी होंगी। RC-15 रामचरण की 15वीं फिल्म होगी जो हाई बजट में बन रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स देयर इज अ एक्शन सीन इन दिस मूवी ओनली फॉर 7 मिनट्स। शंकर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, इन्वेस्टेड 70 करोड़ रुपीज़ फॉर डैट सीन। यह मूवी 2023 में रिलीज होगी जो पोलिटिकल थ्रिलर एक्शन फिल्म होने वाली है जिसे साउथ के फेमस डायरेक्टर एस शंकर डायरेक्ट करेंगे। शंकर इस मूवी से पहले रॉबर्ट सीरीज, आई और शिवाजी द बोस जैसे फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। नंबर टू पे है अल्लू अर्जुन। पुष्पा में अपनी एक्टिंग को लोहा मनवा चुके अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म पुष्पा पार्ट टू होगी। दिसंबर 2021 में रिलीज हुई पुष्पा ने साउथ से लेकर हिंदी ऑडियंस के बीच ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पुष्पा द राइज 2021 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म थी। पुष्पा टू को भी हाई बजट में बनाया जाएगा। यह मूवी 2023 में रिलीज होगी। नंबर तीन पे है इंडिया के रॉकी भाई यानी कन्नड़ा इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश। केजीएफ चैप्टर टू जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यश ने केजीएफ चैप्टर टू के बाद लगभग 4 पैन इंडिया फिल्मों को साइन कर चुके हैं जिसके लिए प्रशांत लीन से लेकर दिल राजू शंकर जैसे डायरेक्टर यश के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन यश के नेक्स्ट प्रोजेक्ट यश 19 है जिसका अभी तक ऑफिशियल टाइटल नहीं रखा गया है। पूजा हेगड़े उनकी अगली फिल्म में हो सकती हैं। नंबर फोर पर हैं NTR। RR में फ्रीडम फाइटर भीम का करेक्टर प्ले करने के बाद NTR ने 2 मूवी साइन किया हुआ है जिसमें NTR 30 और NTR 31 शामिल हैं। दोनों फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर और NTR 30 का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है। दोनों फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। NTR 30 KGF फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नींद द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा जो एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। नंबर पाँच पे है साउथ के चॉकलेटी फेस एक्टर महेश बाबू। 2022 में महेश बाबू की सार कारुवारी पाटा मूवी रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद महेश बाबू की अनटाइटल फिल्म SSMB 28 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में भी महेश बाबू के अपोजिट पूजा हेगड़े होंगी और SS राजा मौली की अगली प्रोजेक्ट में महेश बाबू उनके साथ काम करेंगे।